कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट अनु झा और आपने ट्यून किया है झा अनु क्रिएशन। आज मैं लेके आई हूं आप लोगों का फेवरेट और बहुत ही फेवरेट मीशो हॉल, जो कि आप लोगों आजकल मीशो बहुत ही अच्छा हो गया है और उसकी सारी जो पैकिंग होती है ना वो ट्रांसपेरेंट से सीट में आती है, पॉलिथीन में आती है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा फ्रॉड में भी अब कमी हो गई है और काफी मतलब क्वालिटी भी दिन पे डे बाय डे इम्प्रूव कर रही है मीशो। और सबसे ज्यादा ऑनलाइन में ना अब जो है वो आजकल जो है वो काफी ट्रेंडिंग है, ये मीशो जो है ना वो काफी ट्रेंडिंग ऑनलाइन शॉपिंग है, तो इस पे लोग काफी लोग शॉपिंग करते हैं। तो इसमें मैंने आज जो है वो कई तरह के ड्रेसेस मंगाए हैं, जिसमें कि कुछ शॉर्ट कुर्ती भी है जिसको कि आप डेनिम या जैगिंग ये सब के साथ वियर कर सकते हैं, या फिर स्कर्ट के साथ भी वियर कर सकते हैं। सिंपल कुर्ती भी से वन पीस कुर्ती सिर्फ कुर्ती भी मंगाई है और फुल ड्रेस भी मंगाया है, दुपट्टा सेट भी मंगाया है। वैसे ये देखिए ये भी जो है वो मीशो का ही है और ये 649 का था, मीशो का ही है और काफी अच्छा और काफी ये है। इसको मैंने वॉश भी किया है और बिल्कुल ही श्रिंक वगैरह नहीं हुआ, तो ये भी काफी अच्छा है। इसके भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें, वहाँ आपको सारे प्रोडक्ट के लिंक मिल जाएंगे। और रेट मैं चूंकि इसलिए नहीं बताती हूँ, अप्रोक्सीमेट रेट मैं आपको बता दूंगी, बट वैसे मैं नहीं रेट लिख के बताती हूँ इसलिए, क्योंकि क्या होता है कि रेट 10-20 रुपए 25-50 रुपए का फर्क होता रहता है थोड़े बहुत आगे पीछे में। तो मैंने जब मंगाया हो सकता है उस दिन उसका कुछ सेल रहा हो या ना सेल रहा हो, आज उसका प्राइस कम हो गया तो भी लोगों को लगता है अरे ये तो ज्यादा ज्यादा करके बताती हैं, यदि मैंने ज्यादा जितना बताया उससे आज कम हो गया तो अरे नहीं इन्होंने तो ये बता दिया, ठीक है रेट इतना बताया था लेकिन रेट तो इतना है, तो थोड़ी सी इसमें ना कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो इस वजह से मैं उसको प्रेफर नहीं करती हूँ कि मैं इस चीज को ये करूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट कुर्ती दिखाती हूँ। शॉर्ट कुर्ती में भी बहुत शॉर्ट नहीं है, ये अच्छी लेंथ की है, अच्छी डिसेंट सी लेंथ की है और रेयान कपड़े का है, मुझे बहुत अच्छा लगा। कलर कॉम्बिनेशन भी इसमें 3-4 है और साइजेस भी सारे अवेलेबल हैं। तो आप इसको देखिए, इसका जो है वो लेंथ जो है वो इतने तक का है, नी लेंथ के आसपास का है। तो जो कई लोग होते हैं ना जो कि जींस डेनिम वगैरह पे भी बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं पहनना पसंद करते हैं, तो वो इस तरह ये पहन सकते हैं। और इसका देखिए वैन नेक है, ये काफी अच्छा सा वैन नेक है और कपड़ा भी इसका रेयन है, फुल रेयन है। बाजू इसका 3/4 है, बाजू पे कुछ भी डिटेलिंग नहीं है और नेक इस तरह का है। और यहाँ से देखिए यहाँ पे जो है ना वो पिंटेक्स का काम किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ का इसका जो ये है ना इसके बाद तो ये काफी फ्लेयर बढ़ जाता है, जिससे कि थोड़े से जिसका यदि टमी पोर्शन भी है ना, तो जैसे हम जैसे लोगों के लिए खास करके ठीक है, तो उनके लिए भी ये काफी अच्छा है और डेनिम पे ये बहुत अच्छा लगेगा और मुझे बहुत पसंद है। मैं थोड़ी लॉन्ग कुर्ती ही पहनती हूँ, डेनिम वगैरह पे मैं बहुत शॉर्ट नहीं पहनती हूँ, तो मुझे थोड़ी सी लॉन्ग ही चाहिए होती है। तो ये देखिए इस तरह का है, बैक बिल्कुल प्लेन है मिलेगा और इसका चेक पैटर्न जो है वो भी बहुत अच्छा है। और यहाँ से देखिए शुरू से गले के पास से ही यहाँ पे पिंटेक्स लिया गया है, ये आपको दिख रहा हो, ये देखिए पिंटेक्स है और यहाँ पे आके इस पिंटेक्स को छोड़ दिया गया है, जिससे कि यहाँ पे ये गैदरिंग इफेक्ट आ गया है और काफी अच्छा इससे खुला लगता है, तो बहुत खूबसूरत सा है। मैं एक बार इसको आपको इसमें लगा के भी दिखाती हूँ, वैसे मैं आपको इसको ट्राई ऑन भी लगा दूंगी, अभी दिख रहा होगा आपको ट्राई ऑन, तो ट्राई ऑन दिखेगा तो उससे भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ये देखिए ये इतने शॉर्ट की है और साइड में स्ट्रिंग दिया गया है, यदि आपको लूज या ये है तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, तो साइड में दोनों साइड में स्ट्रिंग दिया गया है, ये देखिए। तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा ये कुर्ती है, तो इसको आप मस्ट बाई है और कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है फ्रेंड, और बाजू इस तरह इतना है तो काफी अच्छा है, इस तरह हिसाब से आप ले सकते हैं। सेकंड मैं आपको कुर्ती दिखाती हूँ, तो सेकंड भी मैं जो दिखा रही हूँ वो सिंगल कुर्ती ही पीस दिखा रही हूँ, ये भी बहुत प्यारा कुर्ती है, ठीक है। ये है फुसिया पिंक कलर का ये है और इस पे व्हाइट से थ्रेड वर्क है, ये जो है ना जितना भी है वो प्रिंटिंग का काम नहीं है, ये सारा थ्रेड वर्क है। मैं आपको बैक साइड से भी दिखाऊं, ये देखिए बैक से आपको दिख रहा हो, ये थ्रेड का काम है और कपड़ा बिल्कुल ही ट्रांजी नहीं है, उसका भी कपड़ा ट्रांजी नहीं था। और ये देखिए इस तरह का ये है, बहुत खूबसूरत लगता है, इसको व्हाइट के साथ पहना जाए ये बहुत ही प्यारा लगेगा। और बाजू में देखिए इस तरह से कफ में फोल्ड वाला और ये बटन वाला जो आज रहता है वो दिया गया है, तो इससे इसका लुक बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये हल्के पुल्के कॉलेज गोइंग ऑफिस गोइंग या ऐसे इधर उधर जाने में आप बहुत खूबसूरत सा इफेक्ट देगा और कलर भी बहुत ही प्यारा है।
और स्टिचिंग भी बहुत सुंदर, कपड़ा इसका जो है ना लगभग खादी कॉटन कपड़ा है, खादी कॉटन ही कपड़ा है इसका, तो अच्छा लग रहा है। आप न्यूड कलर के इनर के साथ इसको पहन सकते हैं, इनर की जरूरत नहीं है, लेयरिंग करने की जरूरत नहीं है, ट्रांजी नहीं है, बट आप इसमें ध्यान रखें कि इसमें न्यूड कलर जरूर वेयर करें, वैसे ब्लैक वगैरह दिखेगा थोड़ा सा, तो क्योंकि उतना भी एकदम ये नहीं है कि एकदम बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ट्रांजी ना हो, तो इसमें आपको न्यूड वेयर करना पड़ेगा कुछ भी चीज़ ऐसा मतलब कि आप दिखे ना। तो ये देखिए इस तरह से है, ये बहुत ही अच्छा, ये भी तो ये पीस बहुत अच्छा आया है, ये देखिए मैं एक बार आपको दिखा दूं इससे, ये देखिए लेंथ भी जो है वो काफी अच्छी लेंथ है, आपको ट्राई ऑन में वैसे भी क्लियर हो रहा होगा इसका लेंथ, तो मेरा मेरी हाइट जो है वो 5'2" है, तो आप उस हिसाब से देख ले कि आपको कितना आता है ये, तो उस अपने हिसाब से आप हाइट के हिसाब से अपना अंदाजा लगा सकती हैं कि कितनी हाइट की आएगी, और ये बहुत ही अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा प्यारा लगा, आप देख लीजिएगा इसको, स्ट्रेट कुर्ती है, बिल्कुल ही स्ट्रेट कुर्ती है, साइड से ये कप है, और कुछ भी डिटेलिंग इसमें नहीं है, लेस वगैरह की कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे सिर्फ ओपन बटन दिया गया है, ठीक है, उसमें भी नॉन फंक्शनल बटन है, बस ये ओपन है जितना उतना है, यहाँ से ये नॉन फंक्शनल बटन है, तो ये पीस है। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊँ, ये मैंने मंगाया है क्लोसिया ब्रांड से, क्लोसिया का कपड़ा वैसे अच्छा होता है, बट इसमें कहीं भी टैग नहीं लगा हुआ है, लिखा तो क्लोसिया है और मैंने यही देख के इसको मंगवाया, जनरली क्लोसिया वाले पे लिखा होता है क्योंकि ये भी क्लोसिया है, तो इस पे लिखा हुआ है पीछे में, ठीक है, इसका टैग लगा हुआ है, बट इसमें नहीं लगा हुआ है फ्रेंड, तो पता नहीं मुझे ये क्या है, लेकिन कपड़ा बहुत सॉफ्ट कॉटन, सॉफ्ट कॉटन रेयन का कपड़ा है ये, बहुत ही सुंदर, गर्मियों के हिसाब का कलर भी बहुत ही प्यारा है, ये देखिए कितना अच्छा कलर है, और प्रिंट भी बहुत सुंदर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ये मैं पास से भी दिखाऊं, यहाँ पे इसमें जो है ना वो बॉर्डर की डिटेलिंग दी गई है, और यहाँ पे यही इसी का पोटली बटन बना के दो 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 करके पेयर में पोटली बटन बना के ये देखिए दिख रहा हो आपको, इस तरह से ऐड किया गया है, और इधर यहाँ ये करके बॉटम का कपड़े को बॉर्डर के एज ए बॉर्डर यूज़ किया गया है, बॉटम के कपड़े को एज ए बॉटम ये कलर यूज़ किया गया है, तो ये है, और बैक बिल्कुल सेम कपड़े का है, और ये भी जो भी है वो सिल्क में है, प्रिंटिंग का वर्क नहीं है, कहीं भी जाने वाला कपड़ा नहीं है, और ट्रांजी तो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही ट्रांजी नहीं है, और कहीं भी ये कपड़ा जो है ना इसका, चूंकि इसका कोई भी प्रिंट उतरने वाला नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल देखिए पीछे से भी मैं आपको दिखाऊं इसको, देखिए बैक से भी देख लीजिए ऐसे, और फ्रंट से भी देखिए, तो इस तरह से है, तो ये कहीं जाने का वाला कपड़ा नहीं है, बहुत ही अच्छा है, और इसका जो है उसके साथ मुझे मिला है ये बॉटम, तो बॉटम देख के मैं बताऊँ इसको, ये सेमी इलास्टिकेटेड बैंड के साथ बॉटम मिला है, आगे जो है वो बेल्ट है और पीछे इलास्टिक है इसका, और इलास्टिक भी सही है, ठीक है, और पॉकेट में एक बार चेक कर लूँ, नहीं फ्रेंड इसमें पॉकेट नहीं है, पॉकेट नहीं दिया गया है, और ये जो है वो लूज है, देखिए लूज फिटिंग का ये पैंट है, तो अच्छा है, गर्मियों में लूज वाला बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में लूज लूज सा पहनना, तो ये इस तरह का है, आप लोगों को कैसा लग रहा है, और इसका मैं दुपट्टा दिखा दूँ, ये 3-piece सूट है, तो इसका दुपट्टा जो है ना वो उतना जैसे कॉटन मल कॉटन टाइप का सॉफ्ट दुपट्टा होता है वो नहीं है, थोड़ा सा ये से दुपट्टा है, हो सकता है धोने के बाद ये हो जाए, लेकिन बहुत ही प्यारा दुपट्टा है, ये देखिए दुपट्टा भी साइड में इस तरह के बॉर्डर लगे हुए हैं, और दोनों साइड इस तरह के बॉर्डर हैं, और ये है इसकी चौड़ाई जो है वो इतनी होने वाली है, ये देखिए इतनी चौड़ाई है इसकी, तो चौड़ाई काफ़ी अच्छी है, और लेंथ मेरे हिसाब से मैं दिखाऊं इसको कितनी लेंथ है, लेंथ 2 मीटर की, 2 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, 2.10 के आसपास की है लेंथ इसकी, तो लेंथ भी सही है फ्रेंड, लेंथ में भी कोई दिक्कत नहीं है, और प्रिंट देखिए सबसे अच्छा इसका प्रिंट बहुत ही प्यारा है, तो पहन के ये बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन इस पे मुझे सिर्फ एक चीज़ का शक है कि वो क्लोसिया क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा होता है हर एक पे, मैं कई मंगवाई हूँ क्लोसिया ब्रांड का तो सब पे लिखा हुआ होता है, लेकिन इस पे नहीं लिखा हुआ है, और ये जो है ना मतलब वैसे आप मैं लिंक दूंगी इसका, प्रोवाइड करूंगी लिंक, तो उसमें आप देखिएगा कि ये क्लोसिया ब्रांड लिखा हुआ है, और कैसा लगा आप लोगों को, जो भी लेना चाहते हैं आप बाय कर सकते हैं, इसमें से तीनों का तीनों ही मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, सारे के सारे सूट मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, और डिफरेंट टाइप का है इसमें, मैंने तीन एक पूरा फुल कुर्ता सेट भी लेके आई हूँ, एक सिंगल कुर्ता भी है, एक शॉर्ट कुर्ती भी है, जिसको कि आप किसी भी हिसाब से, शॉर्ट कुर्ती भी उतनी शॉर्ट नहीं है, ये जो है वो नीच लेंथ तक की है, उसको यदि आप छोटा करना चाहते हैं तो नीचे से थोड़ा सा इसको अल्टर करवा सकते हैं, वरना ऐसे भी अच्छा लगेगा, तो
कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, सी यू।